तो हेलो गाइस, कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू अनदर पबजी मोबाइल वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार कि आप अपने एनिमीज़ को रेंडर कैसे कर सकते हो, ठीक है? अगर आपके दूर के बंदे रेंडर नहीं हो रहे तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि यार आप दूर के बंदे इजीली कैसे रेंडर कर सकते हो। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि यार मैं जल्दी करने वाला हूं Q&A वीडियो। तो गाइस, अगर आपने मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना है तो यार आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर मेरे कम्युनिटी फीड में मैंने एक पोस्ट डाली थी तो वहाँ से जाके आप मेरे से क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो। और नहीं तो यार आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो और डिस्कॉर्ड पे भी मेरे से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो गाइज़, एनीवेज़ वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज़, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो यार मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो यू शुड गेट नोटिफाइड। सो एनीवेज़, विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है हमारी गेम का कि देखो यार, जब भी हम गेम खेलते हैं ना तो दूर के बंदे हमें इजीली रेंडर नहीं हो पाते। द मेन सिस्टम इज़ दैट इट इज़ नॉट योर फ़ोन फॉल्ट, ओके? सो आपको इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें करनी पड़ेंगी जो मैं आपको इस वीडियो में पूरा समझाऊंगा, बेसिक ट्यूटोरियल देने वाला हूं मैं आपको इसमें। तो यार, वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, आपके बहुत काम आएगी। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ट्रेनिंग मोड में, बिकॉज ये बेस्ट प्लेस है आपको वो चीज़ इजीली एक्सप्लेन करने का। तो यहाँ मैंने उठाई है ओम और एक ऑग उठाई है, और मैं उठा रहा हूँ 6x और 8x स्कोप, बिकॉज इससे मैं आपको बताऊँगा कि कैसा क्या करना है आपने। तो यार, बिल्कुल पेशेंसली इस वीडियो को देखो, ठीक है? तो सबसे पहले मैं एक अच्छे पॉइंट पे जा रहा हूँ जहाँ से मैं आपको ये पूरी वीडियो समझा सकूँ। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और फिर बताता हूँ आपको कि सिस्टम क्या है। तो रेंडर होने के मेन रीजंस क्या क्या है? आपका जो है ग्राफिक क्वालिटी, ठीक है? तो यहाँ मैं आपको दिखा दूँ यार, यहाँ पे देखो जो पहाड़ का कोना टॉप वाला हिस्सा है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं रेंडर करके दिखाऊंगा। तो यहाँ मैं ग्राफिक्स देख लो यार, स्मूथ पे है, हाई पे रखा है मैंने, और यहाँ पे एक नीचे एक ऑप्शन आता है जो कि हमारा एंटी एलियजिंग का, ठीक है? तो ये लिखा है इफेक्टिव इमीडिएटली बट टेक्सचर्स को आपके स्मूथ करता है प्लस बैटरी कंजप्शन एक्स्ट्रा कर देता है, ठीक है? इससे आपके जो टेक्सचर्स है वो इजीली रिफाइन हो जाएंगे और आपको दूर की चीज़ें क्लियर दिखाई देंगी। तो अगर मैं इसको डिसेबल रखता हूँ ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यार मुझे जो पहाड़ के टॉप वाले हिस्से है ना, जो दूर का मेरा इलाका है, उसमें पिक्सल्स फटे हुए दिख रहे हैं। ये रीज़न है इसका। अगर आपका एंटी एलियजिंग डिसेबल होगा तो आपको यार जो पिक्सल्स है ना दूर के, वो थोड़े फटे फटे दिखाई देंगे। तो इसको आप फिक्स कर सकते हो एंटी एलियजिंग को इनेबल करके। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ यार, खुद देखो आप, यहाँ पे डिफरेंस आप देखना खुद। मैंने अभी डिसेबल रखा है और आप देख सकते हो कि यार पिक्सल्स कितने फटे हुए थे। अब मैं इसको अगर इनेबल करूँ तो अब आप देखना इसमें डिफरेंस क्या आता है, ठीक है? तो ये तुरंत ही एक्टिवेट हो जाता है। तो मैं इसको कर देता हूँ एक्टिवेट। तो अब मैं आपको कहता हूँ स्कोपिंग करके दिखाता हूँ। तो गाइस, अब देखो यार कि पिक्सल्स बिल्कुल भी नहीं फट रहे, ठीक है? जो हमारे दूर के पिक्सल्स थे वो बिल्कुल रिफाइन हो चुके हैं और बिल्कुल एज टू एज है, ठीक है? एक भी मुझे मिस्टेक नहीं दिख रही है इसके अंदर, और आपके जो बिल्कुल दूर के एनिमीज़ है ना, आपको वो क्लियरली दिखाई देंगे। अब इसका फंडा क्या है यार, एंटी एलियजिंग करता क्या है? आपके जो पिक्सल्स है उनको ये फिक्स करता है और उनको एक लाइन में ले आता है, ठीक है? जिसे आप दूर की चीज़ें ना क्लियर देख सकते हो। बट इससे क्या होगा यार, आपका थोड़ा बहुत लैग देखने को मिल सकता है। उसके लिए आप GFX टूल वगैरह यूज़ कर सकते हो, और बाकी इस चीज़ को ज़रूर यूज़ करना यार। अगर आपका हाई एंड डिवाइस है तो आई विल प्रीफर यू टू यूज़ दिस। लो एंड डिवाइस के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो, बाकी मैंने ट्राई नहीं किया, बट आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव हो सकता है। बट ट्राई करके देख लेना, अगर नहीं होता तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे ये बहुत ही इफेक्टिव ट्रिक है यार, जिससे आप दूर के बंदे इजीली स्पॉट कर सकते हो। अब देखो, मैंने वापस डिसेबल किया तो देखो यार पिक्सल कितने फट गए थे। तो यही रीज़न है यार, दूर के बंदे जो होंगे ना वो आपको यार इजीली विजिबल नहीं होंगे बिकॉज ऑफ पिक्सल्स की वजह से, ठीक है? जो आप पिक्सल फट रहे हैं इसके वजह से बंदे स्पॉट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, जिससे आप बंदे इजीली स्पॉट कर पाओगे और इजीली यार दूर के बंदे को स्नाइप कर सकते हो। अब दूसरी बात यह है कि यार मैं आपको प्रीफर करूँगा कि यार जो आपके ग्राफिक सेटिंग है उनको बिल्कुल लो पे रखो, हाई पे। अगर आपका फ़ोन हाई एंड भी है ना, तो यार फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि स्मूथ पे रखो, और जितना हाईएस्ट फ्रेम रेट मिलता है आपको उस पे जाओ। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप स्मूथ पे खेल रहे हो तो यार हाई पे जाओ या फिर एक्सट्रीम पे जाओ, तब आपको अच्छा FPS भी देखने को मिलेगा। अगर लो पे जाओगे तो यार पिक्सल्स फूटे फूटे मिल जाएंगे। तो यार ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखना यार, इससे आपके गेम में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ सकती है और आपके बहुत काम आएगा ये चीज़। तो गाइस, मुझे उम्मीद है आपको आज की वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करना यार और शेयर कर देना। आज की वीडियो पर लाइक का एम करता हूँ मैं 50 लाइक्स का यार, तो
50 लाइक्स कर देना और थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गाइज डिस्कॉर्ड का लिंक भी दिया डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से जाके आप मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। और गाइज क्वेश्चन पूछना मत भूलना यार, क्वेश्चन पूछ लेना यार, जितना आपके भाई से क्वेश्चन पूछना है आपने, जो भी आपके मन में क्वेरीज है, कुछ भी प्रॉब्लम रिलेटेड है गेम के तो यार, या फिर मेरे पर्सनल लाइफ से पूछना है आपने तो कुछ पूछ सकते हो। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में एक और ब्रांड न्यू टॉपिक के साथ, तो तब के लिए गाइज गुड बाय, टेक केयर, वंदे मातरम एंड जय हिंद, पीस आउट। गाइज अपना ध्यान रखना और हम जल्दी गिव अवे करने वाले, तो चैनल पर ट्यून इन रहना, हम गिव अवे के अनाउंसमेंट जल्दी कर देंगे। तो गुड बाय, सी यू लेटर।